हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम इस वीडियो में देखेंगे डिटर्मिनेसी एंड इनडिटर्मिनेसी ऑफ स्ट्रक्चर्स। हम इनडिटर्मिनेसी को प्रीवियस लेक्चर में समझ चुके हैं कि हाउ डू वी कैलकुलेट डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी। हमने देखा था दैट डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स माइनस नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस अवेलेबल। तो मैं आपको IES और गेट में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को इन तीन कैटेगरीज में करवाऊंगा। सबसे पहले हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिटर्मिनेसी ऑफ बीम्स को देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी निकालेंगे फ्रेम्स के लिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है एंड वेरी इंपॉर्टेंट, फिर हम देखेंगे ट्रसेस के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो जिसमें हम बीम्स की इनडिटर्मिनेसी एंड डिटर्मिनेसी को चेक करेंगे। हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं व्हाट इज अ बीम। सो एज ऑलरेडी डिफाइंड इन माय अर्लियर लेक्चर्स, बीम इज अ ट्रांसवर्स लोड कैरिंग मेंबर, एक ऐसा मेंबर जिस पर लेटरल लोडिंग आती है, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर लोडिंग लगती है। तो बीम्स मे बी अ सिंगल स्पैन बीम और मे बी मल्टी स्पैन बीम्स, मतलब कि कॉन्टिन्यूस बीम्स। तो हम इस लेक्चर में देखते हैं कि हाउ डू वी कैलकुलेट डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी ऑफ एनी टाइप ऑफ बीम, वेदर इट इज अ सिंगल स्पैन बीम और अ मल्टी स्पैन बीम। सो लेट से मैं बात करता हूँ एक सिंगल स्पैन बीम की विच हैज़ ऑन वन साइड अ हिंज सपोर्ट एंड द अदर साइड अ रोलर सपोर्ट। सपोज दैट यहाँ पर इंक्लाइन लोडिंग लगी है, तो यहाँ पर दो रिएक्शंस होंगे क्योंकि यहाँ पर हम इंक्लाइन लोडिंग डाल चुके हैं एंड यहाँ पर सिर्फ एक ही रिएक्शन होगा। सो द टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस आर 3 एंड वी हैव इन टोटल हाउ मेनी इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, 3। ये तीन इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कौन सी होंगी, सम ऑफ फोर्सेज इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू 0, सम ऑफ फोर्सेज इन वाई डायरेक्शन इक्वल टू 0 एंड सम ऑफ मूवमेंट्स इक्वल टू 0। सो देयरफॉर द डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी इज 3 - 3 इक्वल टू 0। सो दिस इज टोटल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी। नाउ हम एक बात अच्छे से जानते हैं दैट DS इज इक्वल टू एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी प्लस इंटरनल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी। एक आप बहुत इंपॉर्टेंट लाइन याद कर लें दैट बीम्स आर ऑलवेज स्टैटिकली डिटर्मिनेट इंटरनली, सो DSI इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ये हमेशा ही 0 रहेगा फॉर बीम्स। सो देयरफॉर टोटल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी फॉर बीम्स इज ऑलवेज इक्वल टू एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी। कीपिंग आर बेसिक्स इन माइंड, हम इन दोनों बीम्स की चेक करते हैं हाउ टू कैलकुलेट स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी। लेट से हमारे पास इस तरीके से एक बीम है, दिस इज अ फिक्स सपोर्ट, दिस इज अ रोलर सपोर्ट और ये भी एक रोलर सपोर्ट है एंड लेट इट बी सब्जेक्टेड टू अ जनरल लोडिंग। दिस इज एन इंटरनल हिंज। तो यहाँ पर कौन कौन से रिएक्शंस पॉसिबल हैं, 1, 2 and 3। ये सिर्फ एक ही रिएक्शन देगी और ये भी सिर्फ एक ही रिएक्शन देगी। सो द टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस विल बी 3 + 1 + 1, दैट मींस टोटल 5 रिएक्शंस। एंड हाउ मेनी इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, ये हमें देखना बहुत जरूरी है। सो वी हैव ऑलरेडी हैव 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस एंड आप एक बात ध्यान में रखें, जहाँ पर भी एक इंटरनल हिंज आ जाएगी, इंटरनल हिंज का कॉन्ट्रीब्यूशन हमेशा ये रहेगा कि वो एक और इक्वेशन हमें देती है। वो कौन सी इक्वेशन होती है, बेंडिंग मोमेंट एट इंटरनल हिंज इज ऑलवेज 0। सो बीम्स के लिए आप याद रखें, बीम्स में जहां पर भी आपको 1 इंटरनल हिंज मिलेगी, दैट इनडायरेक्टली सेज दैट वी हैव 1 मोर इक्वेशन। सो हमें टोटल नंबर ऑफ इक्वेशंस मिल जाएंगी 3 + 1 = 4। ये 3 इक्वेशन हो जाएंगी स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस और ये हो गई करस्पॉन्डिंग टू 1 हिंज। सो टोटल नंबर ऑफ इक्वेशंस आर 4। तो DS बिकम्स टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस माइनस इक्वेशंस, दैट मींस 5 - 4 = 1। सो हम बोल सकते हैं दैट द टोटल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी फॉर दिस बीम इज 1 एंड एज वी ऑलरेडी नो दैट DSI इज 0 फॉर अ बीम, सो DSE इज इक्वल टू 1। सो इजंट दैट सिंपल, बहुत ईजी है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक ऐसी बीम जिसमें 3 रोलर सपोर्ट्स लगी हैं एंड वी हैव 1 हिंज सपोर्ट। सो हाउ मेनी रिएक्शंस इन टोटल, 1, 1, 1 + 2 रिएक्शंस। सो टोटल 1 + 1 + 1 + 2, दैट मींस 5 रिएक्शंस। एंड हाउ मेनी इक्वेशंस, वी ऑलरेडी हैव 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस
एंड इस इंटरनल हिंज की वजह से एक इक्वेशन मिलेगी एंड इस इंटरनल हिंज की वजह से सेकेंड इक्वेशन मिलेगी. सो टोटल 5 इक्वेशंस. सो ds इज 5 माइनस 5 0 विच इंप्लाइज दैट dse इज ऑल्सो 0. सो देयरफॉर सच टाइप ऑफ बीम इज स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम. नेक्स्ट हम देखते हैं एक ये बीम जो कि प्रीवियस IES में आया हुआ क्वेश्चन है. इस तरह की बीम की हमें टोटल इंडिटर्मिनेसी फाइंड आउट करनी है. तो आप जनरली यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं कि वो ब्रॉडर इस टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस निकाल देते हैं. ये 3 है, ये 3, तो टोटल 6 रिएक्शंस, एंड इसका भी कुछ लोग एक रिएक्शन मान लेते हैं. सो टोटल 7 रिएक्शंस में से 3 इक्वेशंस एंड 1 इक्वेशन. ये बहुत सारे लोग कहते हैं दैट ds इज इक्वल टू 3 + 3 + 1, दैट मीन्स 7 माइनस 3 इक्वेशंस एंड माइनस 1 इक्वेशन फ्रॉम दिस हिंज. सो वो टिक मार्क कर देते हैं आंसर 3 को, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. ये नहीं है. सो यही ट्रिक है इस तरह के क्वेश्चन में. हमें जहां पर एक रोलर सपोर्ट लगी होगी इस तरीके से ऊपर और नीचे होगा बेस, वहां पर हमें फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाकर चेक करने पड़ेंगे. तो हम इसको एक ऐसे फ्री बॉडी डायग्राम अलग से बनाएंगे एंड दिस सपोर्ट will provide you this type of vertical reaction. And similarly, एक यही same vertical reaction, let's say this is RC. So this will also be RC, same in magnitude. And यहाँ से ये इस तरीके से एक fixed support लगेगी. तो अब अगर आप ये beam को check करेंगे, there are 3 reactions from this support, 1 reaction from this. So total number of unknowns will be 4. And how many equations for this beam? 3 equations statically indeterminate and 1 corresponding to this hinge. So 4 minus 4 will be 0. So this free body diagram is a determinate structure. हमें यहाँ पर RC already अब मिल चुका है and यही same RC अब इस beam पर लग रहा है. तो ये अब आप देख सकते हैं this is nothing but a free cantilever beam, क्योंकि यहाँ पर RC is already known to us और ये तो एक free cantilever beam है which is obviously determinate. So total structure is a determinate structure. तो ये एक बहुत इसमें कैच था क्वेश्चन में कि हमें ये नहीं करना है, हमें determinate structure टिक मार्क करना है. नेक्स्ट हम देखते हैं इस तरह की एक बीम को. आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस कितने होंगे यहाँ पर. इसकी वजह से 2 रिएक्शंस, 1 रिएक्शन, 1 रिएक्शन एंड 2 रिएक्शन. सो टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस आर 6. And how many equations? 3 equations we already have from equilibrium. 1 equation corresponding to B, 1 equation corresponding to D, 1 equation corresponding to E. So total number of equations are also 6. So therefore ds is 6 minus 6 which is 0. So again dse will also be 0. So this is a determinate structure. So aap dekh sakte hain ki beams ka डिटर्मिनेसी या इनडिटर्मिनेसी चेक करना बहुत ईजी है. जस्ट आपको एक बात ध्यान रखनी है, आपको टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस निकालने आने चाहिए, टोटल नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस निकालने आने चाहिए. आप सबट्रैक्ट करेंगे, यू विल गेट टोटल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी विच इज इक्वल टू dse. थैंक यू वेरी मच. हम नेक्स्ट वीडियोज में विल मूव टू फ्रेम्स एंड देन ट्रसेस.